माँ और दादी के आंसुओं के बीच ये बच्चा पूछता है कि पापा कहाँ चले गए, वो नहीं आएंगे क्या? नन्हे नन्हे हाथ जोड़े पापा की तस्वीर के सामने खड़ा मासूम कभी उदास नजरों से चारों तरफ देखता है, फिर फोटो के सामने सिर झुका लेता है। माँ जब बिलखती हुई थोड़ी शांत होती है तो उसके पास बैठता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके पापा बीजापुर एनकाउंटर में नक्सलियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। और माँ जो उसे आने वाले भाई या बहन की कहानी सुनाती थी, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहते हैं। शहीद जवान श्रवण कुमार के ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। परिवार में करीब 8 सदस्य हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी श्रवण कश्यप ही उठाते थे। उनके शहादत के बाद पूरी तरह से परिवार गम के माहौल में डूबा हुआ है। उनकी बूढ़ी माँ से लेकर विधवा पत्नी और इसके अलावा बहन, सभी की जिम्मेदारी श्रवण कुमार के ऊपर थी। बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक का बनिया गाँव 3 अप्रैल के बाद से ठीक से सोया नहीं है। शहीद श्रवण के घर पर रोती माँ, पत्नी और बहन की आवाज़ चीख चीख कर पूछती है कि अब उनके परिवार को कौन देखेगा, माँ की दवा, पत्नी का श्रृंगार और बच्चे को प्यार कौन करेगा। बड़ा भाई, भाभी और नानी का पेट भी तो श्रवण की सैलरी से भर रहा था। वो शहीद हुए और अब उनके घर पर शमशान सा सन्नाटा है। जो जवान थे वही नौकरी में थे क्या घर में? जी जी, वही घर चलाते थे जी। अच्छा, सब तो मजदूरी काम करते थे। अच्छा जी, और तो ऐसे तो कुछ नहीं है अपन पत्नी। कितने साल का बेटा है उनका? उनका वही 3-4 साल का होगा। अच्छा, क्या उनकी पत्नी भी गर्भवती थी? जी गर्भवती में तो है, 1-2 महीना ऐसी हुआ होगा। अच्छा, अब किस तरह की दिक्कतें जा रही है आप लोग को, क्योंकि एक जवान बेटा आपने खो दिया? जी, जो अपना श्रवण था इसलिए उसी के अनुसार में हम लोग का परिवार चल रहा था, और ऐसी तो हम लोग मजदूरी करते करते अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब तो ये चला गया, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। श्रवण कश्यप साल 2007 में पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। दुर्ग एसटीएफ बेस कैंप में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों में ड्यूटी की। कुछ महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग सुकमा के अंदरूनी गांव के पुलिस कैंप में हुई थी। श्रवण ने साल 2013 में पकावंड की ही रहने वाली दूतिका के साथ जन्म जन्म साथ रहने की कसम खाई थी। उनका एक 4 साल का बेटा है और वो दूसरी बार पिता बनने वाले थे। दूतिका 2 महीने की गर्भवती है। ये बात जब शहीद को पता चली थी तो उन्होंने होली पर घर लौटने का वादा किया था, लेकिन गाड़ी नहीं मिली और वो नहीं आ पाए। एनकाउंटर से ठीक 1 दिन पहले फिर उन्होंने दूतिका से वादा किया कि मैं आऊँगा, लेकिन तिरंगे में लिपटी उनकी देह आई, उनकी यादों की आंधी आई और दूतिका के हिस्से आया न सहा जाने वाला दर्द। वो कभी चीख कर रोती हैं तो कभी एकदम शांत हो जाती हैं। इस हाल में उनके पास कहने को भी क्या होगा। शहीद की माँ कहती है, आने का वादा करता रहा, आया भी तो देखो कैसे आया है। मेरे बेटा मुकना कर ला कहने गला बुरी गला आज ही ऐसी खा लिया ऐसी बोली ना आया गोटेला चाचा जा बेटा चाचा सा बोली मैं बेटा को सांगा सांग बोलू फोन करवा के सोनवार दिन यार शुक्रवार दिन बेटा ना गोटेला। माँ तुम्हें हम कुछ दे नहीं सकते, दूतिका तुम्हारा दर्द हम ले नहीं सकते, और बच्चे तुम्हारे पापा लौट कर भले नहीं आएंगे, लेकिन वो अमर है माँ भारती की गोद में। उनका नाम दर्ज हो गया है वतन पर मिटने वाले शूरों में, वो हमेशा याद किए जाएंगे बीजापुर के वीरों में। अशोक नायडू, ETV भारत, बकावंड।